व्हाट्स अप गाइस, स्वागत है आप लोगों की और एक नई वीडियो पर। आज की इस वीडियो में मैं टेस्ट करने वाला हूँ शैडो ऑफ द टॉम राइडर गेम इन माय लोयल लैपटॉप जो i3 8th जनरेशन और इंटेल i3 6020 लैपटॉप है। इसमें मैं टेस्ट करने वाला हूँ शैडो ऑफ द टॉम राइडर गेम और दिखाऊंगा कि आप लोगों को मुझे कितना पैसा मिलता है। और गाइस, अगर आपको भी मेरे जैसे सिमिलर स्पेसिफिकेशन वाला पीसी या लैपटॉप है तो आपको कितना पैसा मिलेगा इन दिस गेम, इसके लिए आपको वीडियो को आगे देखना पड़ेगा। और गाइस, अगर आपको थोड़ा मुझसे बेटर या लो स्पेसिफिकेशन वाला पीसी या लैपटॉप है, आपको अपना स्पेसिफिकेशन कमेंट करना है। मैं कमेंट के रिप्लाई में आपको बता दूंगा कि आपको कितना पैसा मिल सकता है इन स्पेक्स इन दिस गेम। तो गाइस, वीडियो को पूरा देखते हैं ना, चलिए गाइस वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी। फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ मैं आप लोगों को दिखाऊंगा वो है ग्राफिक सीरीज के कौन से ग्राफिक सीरीज में मैं इस गेम को चला रहा हूँ। तो मैंने जो रेजोल्यूशन रखा है वो 800x600 रखा है। फाइडेलिटी इफेक्ट्स जो है ये ऑफ है, वीसिंग ऑफ है, एंटी अलियासिंग ऑफ है। मैं जाऊँगा ग्राफिक सीरीज पे, तो ग्राफिक सीरीज पे मैंने प्रीसेट पे लोएस्ट पॉसिबल सेटिंग्स पे कर दिया है। तो सिंपली जितने भी सीरीज आप लोग देख सकते हो सब कुछ लोएस्ट पॉसिबल सेटिंग्स पे है। तो सिंपली 800x600 लोएस्ट सीरीज पे मैं इस गेम को टेस्ट करूँगा, दिखाऊंगा कि आप लोग को मुझे कितना एफपीएस मिलता है। तो गाइस, आप लोग देख सकते हो मैं सीधा आ गया हूँ गेम पे। अभी जो मुझे एफपीएस मिला है 19, 20, 18, 17 का एफपीएस मिला है, 13 का। तो गाइस, बेसिकली जो FPS है वो कभी कभार बिलो 15 जा रहा है और कभी कभार मतलब जो है अबव 15 भी जा रहा है। तो अभी तक मुझे जो पहली शुरुआत में जो FPS मिल चुका है वो 15 प्लस है और कभी कभार 15 मतलब बिलो 15 भी जा रहा है FPS। तो FPS जो मिल रहा है अभी देख सकते हो 20 प्लस FPS भी गया है, 20 का FPS। तो बेसिकली जो एज अ AAA गेम जो FPS देखने के लिए मिल रहा है, मैं कहूँगा नॉट बैड। काफ़ी ज़्यादा एरिया वाली जगह है, ग्राफिक्स वाली जगह है जिसमें एक्चुअल ग्राफिक का पता चलता है गेम का। तो यहाँ पर देख सकते हो जो FPS है वो 15 प्लस भी है और कभी कभार 20 प्लस भी FPS जा रहा है। तो उसके हिसाब से मैं जो कहूंगा एज ए AAA गेम जो FPS मिला है वो ठीक ठाक FPS है। तो गाइस, बात करूं मैं इस गेम की ऑप्टिमाइजेशन की, तो ऑप्टिमाइजेशन एक्चुअली जो है मैं ये नहीं कहूंगा कि ऑप्टिमाइजेशन इज सो बैड। मतलब जो ऑप्टिमाइज किया गया एज ए AAA टाइटल गेम उतना ज्यादा बुरा नहीं है, क्योंकि FPS जो है कभी कभार 20 प्लस भी मिल रहा है, कभी कभार बिलो 20 FPS भी मिल रहा है। बेसिकली गेम जो है ठीक ठाक तरीके से चल रहा है, यही मुझे लगता है बड़ी बात है लिटरली गाइस। तो गाइस, मुझे 20 का 19 का FPS देखने के लिए मिला है। तो बेसिकली गाइस, FPS अभी तो 15 प्लस जा रहा है, जो मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा ठीक ठाक है। और गाइस, बात करूँ मैं इस गेम की, तो गेम काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। मतलब ये ऑब्वियसली जो टॉम राइडर सीरीज है, पहली वीडियो में भी जो राइज ऑफ द टॉम राइडर है उसकी वीडियो में भी बोल चुका था कि जो मतलब गेम है टॉम राइडर सीरीज का वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। ये सब जो गेम होता है, इस गेम ये सब गेम का स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। और ऑब्वियसली शैडो ऑफ द टॉम राइडर आप लोगों को पता है काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर एक सीरीज है, जो काफ़ी ज़्यादा लिटरली मतलब लोग खेलते हैं और काफ़ी ज़्यादा पसंद भी करते हैं ये गेम को। और गाइस, बात करूँ मैं इस गेम की ग्राफिक्स की, तो एक्चुअली स्टिल इंटेल i3 6020 भी खेल रहा हूँ, उसमें लोएस्ट सेटिंग्स पे करके खेल रहा हूँ। तो ग्राफिक उसमें आपको उतना ज़्यादा कुछ इंप्रेसिव वगैरह देखने के लिए नहीं मिलेगा गाइस, क्योंकि जो जब लोएस्ट सेटिंग्स पे कर देता हूँ ग्राफिक्स को तो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं दिखता है। बट स्टिल आप गेम एंजॉय करना चाहते हो, गेम का स्टोरी एंजॉय करना चाहते हो, तो लिटरली गेम इज़ गुड गाइस। एंड कभी कभार ये भी बोलने वाली चीज़ है, कभी कभार मुझे थोड़ा थोड़ा FPS ड्रॉप देखने के लिए मिल रहा है, मतलब थोड़ा थोड़ा स्टटरिंग, कभी कभार छोटा छोटा मतलब एकदम ही छोटा छोटा स्टटरिंग कभी कभार देखने, ऐसा नहीं कि स्टटरिंग बहुत देर तक रह रहा है, ऐसा नहीं है। बट ये स्टिल ये जो गेम है एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा हैवी गेम है, तो मैं ये श्योरिटी तो नहीं दे सकता जी आपके इंटेल HDF है इसके, आपके पास इंटेल HD हो सकता है कि आपके पास इंटेल HD ग्राफिक्स यूज़ कर सकते, तो मैं ये श्योरिटी नहीं दे सकता कि आपके लोएस्ट इंटेल HD ग्राफिक्स में ये चलेगा। मैं ये श्योरिटी ऑब्वियसली आपको नहीं दे सकता, बट एक्चुअली मैं ये कह सकता हूँ जो ये गेम है इसका अगर जो इंटेल i3 6020 में परफॉर्मेंस है और नॉट बैड, मतलब आप इस गेम को खेल सकते हो। देख सकते हो अभी जो 28 का भी FPS मिला है। अगर आपको भी मेरे जैसा सिमिलर स्पेसिफिकेशन वाला PC या लैपटॉप है तो आपको भी सेम FPS देखने के लिए मिलेगा मेरे जैसा, मतलब आपको भी आप जो है इसमें 20 प्लस FPS जो है ला सकते हो इन शैडो ऑफ द टॉम राइडर। तो मैं सिंपली कहूँगा आप चाहो तो जरूर इस गेम को ट्राई कर सकते हो। एंड लैग या फिर स्टटर जो बोलो वो काफ़ी ज़्यादा कम है गेम। स्टिल गाइस, जिनको अभी भी नहीं पता कि ये जो गेम है एक्चुअली ये दिस गेम इज़ फ्री ऑन एपिक गेम स्टोर, तो मैं सिंपली आप लोग को कहूँगा कि जल्दी से जाओ इस गेम को क्लेम कर लो। एंड ऑब्वियसली ये गेम एंड राइज ऑफ द टॉम राइडर ये एंड टॉम राइडर 2013 तीनों ही फ्री है, तो सिंपली मैं आप लोगों को कहूँगा जरूर इस गेम को एक बार क्लेम कर लो। वन माई ओपिनियन, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन आप लोग बोल सकते हो कि एज अ ग्राफिक वाइज एंड एज अ स्टोरी लाइन वाइज मुझे राइज ऑफ द टॉम राइडर जो है थोड़ा ज़्यादा ही अच्छा लगा है। हो सकता है आपको शैडो ऑफ द टॉम राइडर अच्छा लगा, बट एज अ ग्राफिक वाइज एंड एज अ स्टोरी वाइज मुझे जो है ये गेम ज़्यादा मुझे अच्छा लगा है। मुझे पता नहीं क्यों, बट राइज ऑफ द टॉम राइडर मुझे ज़्यादा ही अच्छा लगा है एज अ ग्राफिक एंड स्टोरी वाइज। बट गाइज, दिस गेम इज एक्चुअली प्लेबल ऑन इंटेल i3 6020, तो आप लोग चाहो तो आराम से इस गेम को जरूर एक बार ट्राई कर सकते हो आपके स्पेसिफिकेशन पे। एंड गेम काफ़ी ज़्यादा फन टू प्ले है, तो मुझे लगता है हो सकता है आपको पसंद आ जाए ये गेम। अभी तक गेम में जो FPS देखने के लिए मिला है मुझे लगता है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, FPS देखने के लिए मिला है और नॉट बैड। आप लोग चाहो तो इस गेम को बहुत अच्छी तरीके से खेल सकते हो। अगर आपके पास इंटेल HD है, इंटेल HD का मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत ही लोएस्ट ग्राफिक पे ये चलेगा, क्योंकि ये एक AAA टाइटल गेम है, तो आप लोग को मिनिमम जो है 120 MB VRAM जो है, बेसिकली जो मेरे जैसा है 120 MB मिनिमम VRAM आपको जरूर
ज़रूरत पड़ेगी मुझे लगता है कि इस गेम को आपको चलाने के लिए आपके स्पेसिफिकेशन पे। तो अभी जो है देख सकते हो 25 का FPS गाइस देखने के लिए मिला है। तो बेसिकली गाइस जो FPS अभी तक देखने के लिए मिला है वो काफ़ी ज़्यादा ठीक ठाक है, 20+ FPS देखने के लिए मिला है कभी कभार, और कभी कभार जो है थोड़ा सा कभी कभार FPS ड्रॉप्स, बट उतना ज़्यादा कुछ मेजर FPS ड्रॉप नहीं है। आप इस तरीके से गेम खेल सकते हो, मतलब एटलीस्ट गेम जो है चल रहा है अच्छी तरीके से। तो मुझे लगता है आपको, आप चाहो तो एक बार ज़रूर ट्राई कर सकते हो इस गेम को। और ये जो FPS इसमें प्लेवेल हो जाता है, क्योंकि लो एंड PCs में 20+ FPS मिल जाए तो प्लेवेल हो जाता है। तो वीडियो गाइस मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, वीडियो आज के लिए इतना था। वीडियो पसंद तो वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं दोस्तों के साथ, एंड चैनल पर आपको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल कर देना ऐसी और वीडियोस के लिए। तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।